नेक्स्ट यूनिट हमारा यूनिट नंबर 9 है, और यूनिट नंबर 9 में जो चैप्टर का नाम है वो जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स, सामान्य ऊर्जा बचत युक्तियाँ हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर में है क्या कि जो भी हमारे पास तरीके हैं, जो भी हमारे पास टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो भवन निर्माण संबंधित कोई हमारे पास डिज़ाइन हो, या कोई हम बिजली का अपरेटस यूज करते हैं, कोई अप्लायंस यूज करते हैं, जैसे फ्रिज हुआ, टेलीविज़न हुआ, एसी हुआ, ठीक है ना, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जिसमें ऊर्जा का हम दोहन कर रहे हैं, चाहे वो माइक्रो लेवल पे या मैक्रो बड़े स्तर पे, तो उसमें क्या क्या सामान्यतः हमारे पास युक्तियाँ होनी चाहिए जिसके द्वारा हम बचत कर सकें। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि बचत करना क्यों ज़रूरी है ऊर्जा की, ठीक है, बचत करना बहुत आवश्यक है ऊर्जा की। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास सीमित संसाधन है ऊर्जा के, और इन सीमित संसाधनों का दोहन जो है बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक हम टर्म में यूज करते हैं, अर्थ ओवर शूट डे। अर्थ ओवर शूट डे का मतलब यह होता है कि एक साल में एक गणना द्वारा यह एस्टिमेट किया जाता है कि एक साल में हम कितनी ऊर्जा का हमें दोहन करना है, ठीक है, पूरी पृथ्वी में जहाँ भी हम रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कितना उसका हम दोहन करेंगे, उस आंकड़े को बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे। और आपको पता होगा या नहीं पता है तो ये जान लो कि हमने पिछले साल के अर्थ ओवरशूट डे में जो एस्टिमेट किया था एक साल में अपने रिसोर्सेज को दोहन करने का, वो हमने जुलाई में ही उस टारगेट को अचीव कर लिया। मतलब हम जुलाई मतलब कि 7वां महीना हुआ, तो जुलाई आते आते हमारे पास जो एस्टिमेट था कि हमको जो एक साल में इस्तेमाल करनी थी ऊर्जा, वो हमने जुलाई तक ही इस्तेमाल कर ली। तो आने वाले समय में जो हम ऊर्जा का इस्तेमाल या जो हम दोहन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, वह एक तरीके से अंधाधुंध दोहन हमारे पर्यावरण और हमारी जो भी हमारे नेचुरल क्लाइमेट चीज़ें हैं, जो भी हमारे डिज़ास्टर्स हैं, इसको इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे लाइवलीहुड को इफ़ेक्ट करेगा और कर ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर में जो खास बात होगी हमारी, वो होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस तरीके से सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। एक एस्पेक्ट होगा जो मैंने बताया, और दूसरा जो अभी बताया कि किस प्रकार से ये हमारे क्लाइमेट को या हमारे रिसोर्सेज को इफ़ेक्ट करेगा। दूसरा एस्पेक्ट हम यहाँ पे ये लेके चल सकते हैं, कॉस्ट, ठीक है, कीमत। आज की डेट में जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। एक परिवार को चलाने के लिए भी एक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जब तक हम इसका सही निर्धारण नहीं कर पाए और जब तक हम बचत की तरफ नहीं जाएंगे, कीमतों में हम कमी नहीं करेंगे, कीमतों को हम बचाएंगे नहीं, ठीक है, ऊर्जा के दोहन के माध्यम से, तब तक सर्वांगीण विकास किसी भी परिवार का या समाज का होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक टर्म हम यूज करेंगे, कॉस्ट, और कॉस्ट के साथ साथ जो मैंने बताया नेचुरल चीज़ें जो क्लाइमेटी जो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, इस लाभ है हमारे पास, ठीक है, ऊर्जा बचत के हमारे पास बहुत सारे लाभ हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा बचत करना क्यों आवश्यक है, उसके क्या लाभ हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि हमारी जो लागत है, जो हमारी कॉस्ट है, उसमें बहुत बड़ी कमी आती है, ठीक है, उसमें काफ़ी कमी आती है।
और हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है चीजों का, और अपने पैसे को, अपने धन को हम और इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम आ रही है, इसका एक चीज और काफी मतलब ये है, इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा भी गर्मी पड़ना शुरू होती है, हम कूलर की तरफ भागते हैं। जब मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तो हम एसी की तरफ भागते हैं, ठीक है। और ये जो कूलर और एसी की जो चीज़ें हैं, जो आपको क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है उस समय टेम्पररी रूप से, ठीक है, वो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, एडवर्स इफेक्ट करता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं होती है। तो अगर हम उसको लिमिटेड इस्तेमाल करें, उन रिसोर्सेज का या उन साधनों का, तो उससे हमारे जीवन की गुणवत्ता भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो हमारी अफेक्ट नहीं होगी। और हम अपनी संपत्ति, जो हमारा कॉस्ट है, उसके मूल्य को भी हम बढ़ा पाएंगे, ठीक है। हम बिजली का बिल बहुत ज़्यादा पे करते हैं, अगर हमारे पास फ्रिज है, एसी है, और भी चीज़ें हमारे पास, हीटर है, ब्लोअर है, तो कितना ज़्यादा कॉस्ट होता है। और छोटी छोटी चीज़ों से, ये जो छोटी छोटी कट्स जो होते हैं, ये एक, अगर मैं इसको एक ग्लोबल रूप में देखूँ, एज अ, मैं इंडिया एज अ होल, इंडिया एज अ होल वर्ल्ड के फॉर्म में देखा जाए, तो ये स्मॉल चीज़ें ही बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं जब हम इन्हें पूरी तरीके से काउंट करते हैं, कलेक्टिवली देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब है, इससे और क्या फ़ायदा है, पर्यावरण की रक्षा भी होगी, और भी ये सारे लाभ हैं। तो इस चैप्टर में ये रहा बेसिक से, पढ़ना क्या क्या इसमें और भी है। जैसे आपको पढ़ना होगा कि जैसे आप एक एसी चलाते हो, ठीक है, एयर कंडीशनर आपके पास है, नहीं भी है, अगर आप किसी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, जहाँ पे डक्ट फॉर्म में इंडस्ट्री में एयर कंडीशनर होता है, कभी कभी पूरा का पूरा ऑफिस हुआ या पूरा का पूरा प्लांट हुआ, तो बहुत बड़े अमाउंट में वहाँ पे ऊर्जा का व्यय होता है, ठीक है, लॉसेस होते हैं। तो वहाँ पे हम किस तरीके से, किस टेक्निक के द्वारा, क्या टिप्स इस्तेमाल करें कि वहाँ पे भी लॉसेस कम से कम हो, और हमारी जो ऊर्जा है वो सफिशियंट, हम कम इनपुट में ही मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकें। एसी हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, ठीक है, ये जो भौतिक चीज़ें हैं, इसका हम यहाँ पे पहलू देंगे, ठीक है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ एक एक युक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।